नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। भोजपुर के कोइलवर के मछियापुर कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल वार्षिक उत्सव मनाया। इस अवसर पर दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद विद्यालय परिवार द्वारा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शहर के प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर मणि कुमार यादव ने किया। उद्घाटन के बाद बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मणि ने कहा कि यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के डीएम चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को बहुत ही आगे ले जाएगा। यहाँ के बच्चे जब भी आगे पढ़कर विश्वविद्यालय आएंगी तो मैं उनके लिए हमेशा आगे रहूंगा। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो चर्चा का विषय रहा। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ने की भी बात कही। उपस्थित लोगों में विजय राय, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर तबस्सुम की उपस्थिति रही तथा आए हुए मुख्य अतिथि ने अपनी अपनी बच्चों की प्रगति के लिए बात रखी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इस अवसर पर हम आए हुए तमाम मित्रगण, अभिभावकगण और आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सुदूर देहात में हमने जो शिक्षा का अलग जगाने का निर्णय लिया और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसमें आप लोगों का साथ जो हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का, सभी ग्रामवासियों का, गांव जवार के लोगों का और मीडिया कर्मी के साथियों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों का ये हौसला ही मुझे आगे प्रेरणा दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। सर, आपका संस्थान जिला के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उभर रहा है, ग्रामीण वासी के साथ, जिले वासी के साथ, भोजपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और ये चीज़ें हम लोग तो बचपन में पढ़ा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। और आज भी जहाँ पर मैं स्कूल खोला हूँ, जहाँ ये स्कूल चल रहा है, वहाँ आज भी शिक्षा की घोर कमी है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, बहुत पहले से ही गरीब क्षेत्र रहा है। यहाँ की गरीबी हमने अपनी आंखों से देखा है और मेरा एक सपना था कि इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा हम प्रोवाइड करें। और काफ़ी स्ट्रगल फेज में हम अभी चल रहे हैं और यहाँ हम शिक्षा के मसाल को हम जला रहे हैं। आपके स्कूल के द्वारा गरीब बच्चों और बच्चियों के लिए क्या व्यवस्था है? जी हाँ, मेरे स्कूल के द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क खोज करके पढ़ाया जाता है, बुला बुला करके पढ़ाया जाता है। और गांव में हमने लोगों को लगा रखा है कि जिसे आपके गांव में जो भी गरीब बच्चा है आप उसको लेकर के आए और बच्चे निःशुल्क आज पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है इस बात को कहते हुए। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा, अभिभावकों से अपील करूँगा कि पढ़ाई को आप लोग सीरियसली लें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। और ये आप सब लोग, मैं अपील करता हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि आप अपने अगल बगल देखें, जो भी परिवार विकास किया है उसमें शिक्षा की महती भूमिका रही है। आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और बच्चों को पढ़ाने में आप लोग जो यहाँ पे बच्चों का दाखिला कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र से बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा करें और अच्छे पद पे जाएं, देश की सेवा करें, आत्मनिर्भर बने और छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान नहीं होना है। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आज हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि अधिकांश बच्चे पुलिस की भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए, छोटे छोटे क्लरिकल जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं। सोच यहाँ बदलनी होगी और मेरा सोच ये है कि यहाँ बड़े बड़े सपने बच्चे देखें, गार्जियन बड़े बड़े सपने देखें और मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं इसे चरितार्थ करके दिखाऊँगा। धन्यवाद। मेरा परिचय संजय कुमार सिंह हुआ और मेरा पैतृक गाँव यहीं बगल के गाँव में ही है, डिहरी एक बस्ती है संदेश थाना में, और वैसे मैं आरा में रहता हूँ, गोड़ना रोड में। आज कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल मठियापुर जो स्कूल स्थापित है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेफरेंस है और ग्रामीण स्तर पर ऐसे ऐसे स्कूलों की बहुत ही आवश्यकता है। और शिक्षा हमारे
ग्रामीण स्तर बहुत ही आवश्यकता है और बच्चे जो स्कूल खोले उसके लिए संजय सर को धन्यवाद। सर यहाँ के जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामीण लोगों से अपील और मैं उनको कहना चाहूँगा कि स्कूल को अपने गांव, कस्बे, मोहल्ला, हित, नाता, सगे संबंधी को प्रचार करें कि अच्छी स्कूल है, अच्छी वातावरण है, अच्छी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और जो डायरेक्टर साहब हैं अच्छी व्यवस्था किए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अगल बगल के बच्चों को भेजें पढ़ाने के लिए, शिक्षा का आदत डालें। मेरा नाम डॉक्टर मणिभूषण प्रसाद, सदर अस्पताल आरा, आई स्पेशलिस्ट। धन्यवाद।